जैसे ही नाम लिया तो क्रूज की तबीयत एकदम सही हो गई। जैसे ही सही हुई तुम्हारा चमत्कार हो गया और कलयुग में चमत्कार को ही नमस्कार है। जहाँ मन्नतें पूरी हुई वहाँ हम धोख देना शुरू कर देते हैं। पर एक बात का ध्यान रखना, मैंने कथा में पहले ही बता दिया कि 33 कोटि देवता है। कितने हैं? 33 कोटि। राम जी की पूजा नहीं हो रही है, कृष्ण की कर लो। इनकी नहीं हो रही है, हनुमान जी की कर लो। कितने देवता हैं हमारे? इनकी नहीं हो रही है, दुर्गा की कर लो, भोलेनाथ की कर लो। कितने देवता हैं? आपको जैसे जम जाए कि आपको भोले भगवान चाहिए, आपको तेज चाहिए, आपको कैसे भगवान की आवश्यकता है, वैसे भगवान की पूजा आराधना आप कर सकते हैं। कोई कह दे कि हनुमान जी को अगरबत्ती लगाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल लगाना। कोई कह दे कि राम जी की पूजा करने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो कर लेना। कोई कह दे कि भगवान कृष्ण के मंदिर जाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो बिल्कुल करना। लेकिन कोई कह दे कि यहाँ चादर चढ़ाने से आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी तो उस मनोकामना को ही त्याग देना। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति चादर और फादर में उलझ जाता है उसका कल्याण भगवान भी नहीं कर पाते। इसलिए हमें हमेशा हमारे सनातन धर्म की ही पूजा करनी है, क्योंकि सनातन धर्म से ऊपर कोई तो दूसरा धर्म नहीं है। इससे श्रेष्ठ, इससे अच्छा कुछ नहीं है कि है। अगर कोई आपकी मनोकामना पूरी करेगा, कोई आपकी मदद करेगा, कोई आपकी सहायता करेगा तो वो ये भगवान ही है। यहाँ पर प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा गुरुजी तुरंत ठीक हो गए। नारायण नारायण कहते ही ठीक हो गए। उन्होंने कहा कि अब यहाँ पर हिरण्यकश्यप आया कि जाकर देखूं प्रहलाद क्या सीख रहा है, अभी तक क्या सीखा। जैसे ही आया देखा कि गुरुकुल में तो सब कीर्तन कर रहे हैं, गुरुजी भी श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि कर रहे हैं। क्रोधित हो जाता है और कहता है कि ऐसे नहीं मरेगा। तो उन्हें गरम खंबे से बांध दिया जाता है लोहे के। तो वहां भी भक्त प्रहलाद देख लेते हैं कि उस खंबे पर छोटी छोटी चींटियां चल रही थी कि बोले जो भगवान इन चींटियों की रक्षा कर रहा है वो भगवान मेरी भी रक्षा अवश्य करेगा। उन्हें गरम तेल की कढ़ाई में डाल दिया जाता है, वहां भी भगवान की रक्षा करते हैं। अब मृत्यु नहीं हो रही है, वो हिरण्यकश्यप कुछ कर नहीं पा रहा तो उसने कहा कि जाओ प्रहलाद को ले जाओ और इसे पहाड़ से गिरा दो। जैसे ही पहाड़ से गिराया तो भगवान ने अपनी गोद में ले लिया। जैसे ही गोद में लिया हिरण्यकश्यप ने जैसे ही कहा कि इसे पहाड़ से गिरा दो, अपने बेटे को भी जब अपने शत्रु का नाम लिया तो उसने अपने बेटे को भी कह दिया किसको मार दो। लेकिन भगवान ने उनकी रक्षा करी। कहते हैं ना कि जाको राखे साईया मार सके ना कोई। जिसकी भगवान रक्षा करते हैं उसका कोई भी बाल भी बाका नहीं कर पाता है। अब यहाँ तो सब जश्न मना रहे हैं कि प्रहलाद मर गया, हिरण्यकश्यप जश्न मना रहा है, महल में खुशी मना रहा है कि जिसको इतने दिन से मारना चाह रहा था वो मर गया। यहाँ उत्सव मना ही रहे हैं, इतने में आवाज आती है बाहर से कि श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। देखते हैं कि फिर प्रहलाद लौट कर आ जाते हैं और हिरण्यकश्यप को क्रोध आ जाता है। वो कहते हैं कि तू ऐसे नहीं मरेगा, तुझे तो मुझे ही मारना पड़ेगा। तलवार उठाते हैं, मारने लगते हैं कि बीच में उनकी माता कयाधु आ जाती है। कयाधु की वहाँ मृत्यु हो जाती है। तो हिरण्यकश्यप कहते हैं कि देख अरे पापी, तेरी वजह से तेरी माँ मर गई। तब प्रहलाद जी कहते हैं कि पिताजी माँ मरी नहीं है, माँ तो श्री हरि को
प्यारी हो गई है। हम भी एक दिन श्री हरि को प्यारे हो जाएंगे। मुझे भी यहाँ नहीं रहना, मुझे भी मेरे श्री हरि के पास ही जाना है। तब हिरण्यकश्यप क्रोध में आ जाते हैं कि मेरे सामने मेरे शत्रु की प्रशंसा कर रहा है कि बोले बता इस खंभ में भी भगवान है, बता तेरे भगवान कहाँ कहाँ है। तो प्रहलाद कहते हैं कि जले विष्णु स्थले विष्णु विष्णु पर्वत मंडिते, पर्वतों में विष्णु है, जल में विष्णु है, थल में विष्णु है, यहाँ कण कण में विष्णु है। तो बोले क्या इस खंभे में तेरे विष्णु है? बोले हाँ इस खंभे में भी मेरे विष्णु है। बोले कि इस खंभे में से अगर तेरा विष्णु नहीं निकला तो अभी मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। जोर से गदा उस खंभे पर पटकते हैं तो भक्त की रक्षा करने के लिए भगवान उसमें उस खंभ में से नरसिंह बन के प्रकट हो जाते हैं। बोले नरसिंह भगवान की। अब नरसिंह भगवान वहां आए और भक्त प्रहलाद की रक्षा करी और हिरण्यकश्यप को उन्होंने मारा। उन्होंने कहा कि देख तूने वरदान मांगा था कि तू ना मनुष्य से मरेगा ना पशु से, इसलिए नरसिंह बनकर आया हूँ। मुंह काय का है? शेर का, और पूरा शरीर मनुष्य का। तूने कहा कि रात में नहीं मरूंगा, दिन में नहीं मरूंगा, तो संध्या का समय आया है। तूने कहा अस्त्र से नहीं मरूंगा, शस्त्र से नहीं मरूंगा, तो बड़े बड़े नाखून करके आया हूँ। और तूने कहा ऊपर नहीं मरूंगा, नीचे नहीं मरूंगा, कि ध्यान से देख तू मेरी गोदी में लेटा हुआ है, ना तू ऊपर है ना तू नीचे है। और वहाँ पर नरसिंह भगवान हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ देते हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान की।